हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें। आज का हमारा टॉपिक है विशेषण। आज हम विशेषण के टॉपिक पे बात करेंगे, उसकी परिभाषा और उदाहरण, जिसे इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। अब बात करते हैं विशेषण की परिभाषा की। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा पशु पक्षी की विशेषता बताने वाले शब्द, जैसे कि उसका आकार, भाव, स्वाद, संख्या, रंग, गुण विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि कुछ उदाहरण है, मेरी माँ प्यारी है, यहाँ पर माँ संज्ञा है, प्यारी उसकी विशेषता है, तो प्यारी क्या होगा, विशेषण। दूसरा उदाहरण लेंगे, यह पार्क बहुत हरा भरा है, यहाँ पर पार्क एक स्थान है, संज्ञा है, और वह बहुत हरा भरा है। इसमें पार्क की विशेषता है कि वह बहुत हरा भरा है, तो हम हरा भरा को विशेषण कहेंगे। तीसरा उदाहरण है, रोटी गोल है, रोटी एक वस्तु है, संज्ञा है, गोल उसकी विशेषता है, तो गोल हमारा विशेषण होगा। बरगद का पेड़ मजबूत होता है, यहाँ देखेंगे पेड़ की बात कर रहे हैं, पेड़ यहाँ पे संज्ञा है, एक वस्तु है, वो बहुत मजबूत है, तो मजबूत उसकी विशेषता है, जिसे हम विशेषण कहेंगे। फूल रंग बिरंगे हैं, यहाँ पर फूल एक संज्ञा शब्द है, रंग बिरंगे उसकी विशेषता है, रंग बिरंगों को हम विशेषण कहेंगे। यह बंदर बहुत नटखट है, बंदर इसमें संज्ञा है क्योंकि वो एक पशु है, और नटखट इसमें उसकी विशेषता है, इसलिए विशेषण हम नटखट को कहेंगे। सेब बहुत मीठे हैं, यहाँ सेब एक वस्तु है, संज्ञा, और सेब बहुत मीठे हैं, मीठे उसकी विशेषता है, इसलिए मीठे को हम विशेषण कहेंगे। मेरा साबुन खुशबूदार है, इसमें साबुन एक वस्तु है जिसे हम संज्ञा कहेंगे, और साबुन बहुत खुशबूदार है, खुशबूदार उसकी विशेषता है, उसे हम विशेषण कहेंगे। मेज पर 7 पुस्तकें रखी हैं, यहाँ पर संज्ञा है पुस्तकें, वो एक वस्तु है, और वो कितनी है, 7 उसकी विशेषता है, जिसे हम विशेषण कहेंगे। डरपोक खरगोश छुपकर बैठा है, यहाँ पर खरगोश हमारा संज्ञा है, वह एक पशु है, वह कैसा है, वह डरपोक है, डरपोक उसकी विशेषता है, जिसे हम विशेषण कहेंगे। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ बेल बटन प्रेस करें। थैंक यू सो मच।